सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस फ़ोन की, यह है लावा A97 IPS। तो यहाँ पे हम इसकी बटन को खोल के दिखा देते हैं इसका मॉडल। तो यहाँ पे देख सकते हो अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पे हमको A97 IPS ये इसका मॉडल दिख जाता है। तो हम इसको बैक करते हैं और ऑफ करके भी इसका मॉडल दिखा देते हैं बैटरी को निकाल के। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं इसकी फ्लैशिंग, क्योंकि हमारा फ़ोन जो होता है हैंग, तो यहाँ पे देख सकते हो A97 IPS। तो चलिए इसकी बैटरी को लगा देते हैं और चलते हैं हम अपने सिस्टम पे। ये फ़ोन पे FRP वगैरह लॉक भी लगा हुआ होगा तो वो भी हट जाएगा और पैटर्न लॉक भी हट जाएगा फ्लैशिंग के टाइम, और हैंगिंग प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पे, करते हैं हम इसको फ्लैश। देख सकते हो ये हमारी लावा A97 IPS की फर्मवेयर, इसको हम एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं और करेंगे थोड़ा वेट। हमारी फाइल 1 GB की फाइल थी तो थोड़ा सा समय लेगी ये एक्सट्रैक्ट होने में। तो यहाँ पे हमारी फर्मवेयर हो चुकी है एक्सट्रैक्ट। तो चलिए फर्मवेयर पे चलते हैं और देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। यह है फर्मवेयर का फोल्डर, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमको फर्मवेयर मिल जाती है। इसको बैक करेंगे हम और यहाँ से हमको SPD टूल मिल जाता है, इसको भी बैक करेंगे। ये स्पेक्ट्रम के ड्राइवर्स मिल जाते हैं SCIU2S के, और यहाँ पे IMEI RAT टूल मिल जाता है। तो चलिए यहाँ से हम SPD टूल को ओपन कर लेते हैं। ये रिसर्च डाउनलोड वाले को क्लिक करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन है देख सकते हो लिखा भी हुआ है, तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टूल ओपन हो चुका है, इस यहाँ से हम फर्मवेयर अप लोड कर लेते हैं। इस पर लोड इस पर क्लिक करते हैं और अब हम जाते हैं ब्राउज के फोल्डर पे। मतलब आपको लोकेशन देना है जहाँ पर भी आपकी फर्मवेयर हो। यहाँ पे तो हमारी लावा A97 के अंदर फर्मवेयर के अंदर .pack फाइल वाली इसको उठा लेनी है और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना है और करना है अब थोड़ा सा वेट। यहाँ पे हमारी जो फर्मवेयर लोड होना शुरू हो रही है, हो चुकी है, देख सकते हो नीचे लोडिंग चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो फर्मवेयर लोड होने ही वाली है, लोड होने के बाद यहाँ पे दिखा देगी हमको फर्मवेयर की लोड हो चुकी है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी फर्मवेयर हो चुकी है लोड। तो ये है इसका डाउनलोड का बटन, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। तो ये है डाउनलोड का बटन, इस पर हम करते हैं क्लिक और अब हम वॉल्यूम अप दबा के डाटा केबल लगाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे हमारी जो फ्लैशिंग होना शुरू हो चुकी है, यहाँ पे हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ। तो ये हमारा फ़ोन है, अभी कनेक्ट है, अब हम थोड़ा वेट करेंगे।
यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग होना शुरू हो चुकी है। और ध्यान रहे आप लोगों को कि सॉफ्टवेयर करते टाइम फ़ोन को हिलाना डुलाना नहीं है, तो ये कनेक्टर लूज़ होते हैं कई फ़ोनों के, तो उस पर हमारा फ़ोन डेड भी हो सकता है। इसीलिए कनेक्ट होने के बाद फ़ोन जैसा मैंने रख दिया है वैसे ही आप लोग भी रख दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो फ्लैशिंग बस डन होने ही वाली है। देख सकते हो यहाँ पे पास का साइन आ चुका है, हो चुका है ये फ्लैश। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ और केबल को करते हैं डिस्कनेक्ट। बैटरी को एक बार निकाल के लगाते हैं फोन मोबाइल पे। बैटरी को एक बार निकाल के लगाते हैं फोन मोबाइल पे। और फोन को करेंगे अब हम स्टार्ट। यहाँ पे हमारा जो फ़ोन हो चुका है स्टार्ट, देख सकते हो ब्राइटनेस तेज होने के कारण ये लावा का लोगो नहीं दिख रहा है, पर बट हम ऐसे देख रहे हैं तो देख सकते हो यहाँ पे
फ़ोन हमारा हो चुका है स्टार्ट, तो थोड़ा हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो फ़ोन हो चुका है स्टार्ट। तो चलिए इसका सेटअप कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, स्किप करते हैं, स्किप एनीवे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। अनटिक करते हैं इसको, ये लॉक लगाने के लिए कह रहा है। आपको पैटर्न डालना तो इस पर टिक कर सकते हो, नहीं तो हम अलग करते हैं। यहाँ से स्किप करेंगे, स्किप एनीवे। नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो फ़ोन हो चुका है ऑन, और यहाँ पे हो चुकी है इसकी फ्लैशिंग डन। तो आपको मैं इसका वीडियो, तो मैं आपको इसका मॉडल भी दिखाना चाहता हूँ। सेटिंग में चलते हैं एक बार, इसकी अबाउट फ़ोन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉडल इसका A97 IPS। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।